वो डकैती वाली टोपी, चोर चोर वाली। चीकू ठंड आ गई बेटा। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन आज धूप नहीं आई है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है ना, इसलिए क्या हुआ चीकू बताएगा मुझे? तो फाइनली नहाना धोना हो गया और दोबारा वही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं है। कल धोए थे गर्म कपड़े, अभी तक सूखे नहीं है और ये गंदे हो गए काफी। लेकिन जिम जाते जाने से पहले इनको सुखाना पड़ेगा। है चीकू, तू है सुखाने में? चीकू करेगा? चीकू बोल रहे जाना है यार, क्या उल्टी सीधी बातें करता रहता है, देख रहे हो इसकी शक्ल। तो अब अंडे वगैरह खाऊंगा, उसके लिए चीकू बैठा हुआ है अपन दोनों मिलके। है चीकू, चीकू अपन दोनों मिलके अंडे खाते हैं, ठीक है? चीकू ठंड आ गई बेटा। ओ मेरे चीकू को ठंड लग रही है भाई, इसको यहां से भी ढक दो। हैं और देखो कैसे बैठा हुआ है शांत होके। हैं चीकू ठंड आ गई है? कोई नहीं, आज मैं तेरे लिए स्वेटर लेके आऊंगा, अभी खा के फिर चलते हैं स्वेटर लाने, ठीक है? स्वेटर पहनेगा तू? पहनना वरना कुछ नहीं है, इसे हमारा खर्चा करवा देना है और कुछ पहनना नहीं है इसे, इतना तो पता है मुझे। चल अंडे खा के चलते हैं, कोई बात नहीं, अंडे दियो फटाफट, पिटबुल लगी है। चीकू तेरे कान खड़े करवा दूं डोबरमैन जैसे? अरे मैं भालू फिर दूंगा। आज आज पता क्या हुआ? पार्क में एक सफेद रंग का कुत्ता था, चीकू समझ गया था, उसके पास नहीं गया, उसने आगे चीकू के पीठ पे दांत मार दिया, तो दांत लगा नहीं इसके, और वो थोड़ा ना दिमाग से पागल कुत्ता था, सारे कुत्तों के साथ वो ऐसे ही कर रहा। बच गया आज हमारा चीकू, ये तो लड़ता भी नहीं यार किसी से, ये तो बस खेलना चाहता है किसी के साथ, खेलू। है चीकू, गंदे होते हो कुत्ते, उनके पास मत जाया कर, समझ में आई बात तेरे को? बिल्कुल नहीं जाना उनके पास। रुक जा। आईआईटी तो मैं भी क्लियर कर, आईआईटी तो मैं भी क्लियर कर लेता या डॉक्टर होता, बस पढ़ना पढ़ने का मन नहीं करता था मेरा। खा लेंदे चीकू, परेशान मत कर। क्या तेरे खाने में मुंह मारने जाता हूं क्या मैं? हैं? ये ले खा ले, खा ले अब। वो डकैती वाली टोपी, चोर चोर वाली। क्या स्ट्रीट डॉग्स के लिए ले रहे हो भाई? चीकू दिखा दे भाई ब्लॉग वालों को, चीकू के लिए देखो हमने ये दिया है भाई, जैसे उसकी स्किन है वैसा ही ले लिया। क्या ये तेरे लिए आया? तेरे चल, ये उतार, ये उतार उतार, ऐड दे इसे।
अब ये पहनेंगे, रुक जा, इसको काटो। मान गला कौन सा है, छोटे वाला ना, 40 के अंदर। ओए हटा हटा, ओए ये ले। ओए होए ओए आदे, ओए होए होए होए, एक नंबर चीकू, तू हीरो लग रहा है। ओए चीकू, ओ भाई छोटा है ना ये, है ना, कैसा है चीकू? खड़ा हो, खड़ा हो, इधर आ, छोटा है ना, नहीं इतना ही होता है ना, इसको पीछे देखना है। अरे वो लिए रहे, कुछ नहीं कर रहा मैं तेरे को। अरे छोटा है ये, चलो भाई रेस्ट करते करते काफी टाइम हो गया, अब जिम जाने का टाइम हो गया। चीकू को कपड़े उपड़े पहना के फिर जब से रेस्ट ही कर रहा था, अब रेडी होके जिम निकलते हैं। फिर मिलता हूँ मैं आपको जिम में, कॉफी वॉफी पी लूँ यार। आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया गया, जिम से वर्कआउट करवा के भी आ गया, और आज सर बहुत दर्द हो रहा है, ठंड होगी शायद, तो बाइक पे हवा लग गई, तो अभी चाय वाय पीऊंगा मैं, लाइट वाइट बंद कर देते हैं। तो बहुत दिनों बाद रात को चाय पी रहा हूँ मैं, चाय पीने से सर का दर्द ठीक हो जाता है भाई, कहावत है, तो इस चीज को। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी देखनी है, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी देखेंगे, चाय पी लो, फिर इसके बाद देखते क्या खाना है पीना है। और आपको कल वीडियो नहीं मिली होगी मेरी, क्योंकि बिजी था मैं तो शूट नहीं कर पाया, तो आज आया और सर में बहुत तेज दर्द है। तो फिर मैं मिलता हूँ कल आपको नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। दिख रहा होगा ना, बेटा सब दिखता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है भी कमेंट बॉक्स में बताओ यार।